नमस्ते दोस्तों, जयपुर जायका में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम स्प्राउट्स की टिक्की बनाएंगे। तो ये नॉर्मल टिक्की से बहुत हेल्दी होगी, कम आलू होगा, इसमें प्रोटीन होगा। तो आइए बनाते हैं इसे। इसे हम ज़्यादा डीप फ्राई भी नहीं करेंगे, सिर्फ हम शैलो फ्राई करेंगे। तो आइए बनाते हैं। तो इसके लिए देखिए, मैंने ये एक कटोरी स्प्राउट्स लिए हैं। मूंग है, मोठ है, चने हैं, तो ये मिले जुले स्प्राउट्स हैं। इन्हें आप इस तरह से देखिए दरदरा पीस लीजिए, बिल्कुल महीन पेस्ट नहीं करना है। कुछ सेकंड्स मिक्सी में चलाइए और ये इस तरह से पिस जाएंगे। तो एक कटोरी स्प्राउट्स लीजिए और एक कटोरी उबला हुआ मैश किया हुआ आलू लेना है। और हेल्दी बनाने के लिए इसमें हम देखिए, हम थोड़े से ओट्स डालेंगे, दो तीन चम्मच पनीर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। और देखिए, थोड़ा सा अदरक है, थोड़ी सी हरी मिर्च है, एक छोटा सा प्याज और थोड़ा सा हरा धनिया, बहुत कम डालना है हमें ये सब। और बहुत हल्के मसाले हैं, थोड़ा नमक है, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला पाउडर। बस हम इतने ही सामान से इसे बनाएंगे। तो इन्हें अच्छे से हम मिला लेंगे और देखिए ये हमारा मिक्सचर तैयार है। अब हम हाथों पर थोड़ा सा घी या ऑयल लगाएंगे और इसके हम छोटी छोटी टिक्की बना लेंगे। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, मैंने गोल टिक्की का शेप दिया है। तो थोड़ी छोटी ही बनाइए ताकि अंदर तक अच्छे से सेक जाए ये। तो इस तरह से देखिए मैंने रेडी कर ली। आप चाहें तो इन्हें थोड़ी देर फ्रिज में रख लीजिए, उससे ये टूटेंगे नहीं फ्राई करते टाइम। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा तेल लिया एक फ्राई पैन में, डीप फ्राई नहीं करना है हमें इसे। तो थोड़ा तेल गर्म होने पर इसमें हम टिक्की डाल देंगे और मीडियम फ्लेम रखेंगे। तो इन्हें कम गैस पर हम इस तरह मीडियम फ्लेम में कुक करेंगे। देखिए ये थोड़ी देर में इस तरह से ब्राउन कुक हो जाएंगे अच्छे से। तो आप थोड़ा अच्छे से सावधानी से इसे पलट दीजिए, अभी ये सॉफ्ट हैं। तो इस तरह दोनों तरफ से हम देखिए इसे कुक कर लेंगे। तो ज़्यादा ऑयल नहीं लगा है और बहुत अच्छी करारी कुरकुरी टिक्की तैयार हो गई है बनकर। तो बहुत कम आलू और ज़्यादा प्रोटीन है इसमें, दाल है, तो बहुत हेल्दी टिक्की है ये, डीप फ्राई भी नहीं है। तो देखिए हमारी टिक्कियाँ तैयार हैं, बहुत टेस्टी बनी है। अब इसको हम पुदीने की चटनी के साथ सर्व करेंगे। आप सॉस भी ले लीजिए, दही ले लीजिए। तो थोड़ा सा पुदीने और दही की चटनी है और थोड़ा सा इस पर हम पनीर डालेंगे। तो इस तरह से बहुत ही टेस्टी और सुंदर दिखने वाली है स्प्राउट्स टिक्की तैयार है। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें।